हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि गौतम और आपके लिए लेकर आई हूँ एंटरटेनमेंट से जुड़ी ढेर सारी गॉसिप्स, कंट्रोवर्सी जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कर दिया बूम। किसी ने कहा उन्हें कैट तो किसी ने कहा कैटरीना कैफ। लाखों दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। कैटरीना कैफ को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक दशक से ज्यादा बीत चुका है और इतने समय में उन्होंने काफी कुछ हासिल भी कर लिया। कैटरीना कैफ की डेब्यू फिल्म 2003 में आई थी जिसका नाम था बूम, जिसके बाद से आज कैटरीना कैफ का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गया है। कैटरीना कैफ ने अपने बॉलीवुड करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बावजूद भी कैटरीना लाइमलाइट में बनी रही। सबसे जरूरी बात, जब कैटरीना कैफ को दबंग खान का सपोर्ट मिला, जैसे उनकी गाड़ी चल पड़ी और उनकी फिल्मी करियर में फिल्मों की लाइन लग गई। दबंग खान के साथ कैटरीना कैफ की पहली फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इसके बाद से हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैटरीना कैफ के साथ काम करना चाहता था। सलमान खान के बाद कैटरीना कैफ की लाइफ में एंट्री हुई अक्षय कुमार की और अक्षय कुमार का खासा रोल था कैटरीना कैफ के करियर को आगे बढ़ाने में। अक्षय कुमार के साथ कैटरीना की जितनी भी फिल्में आई हैं वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई हैं, चाहे वो नमस्ते लंदन हो या सिंग इज किंग हो, हर फिल्म में अक्षय और कैटरीना की जोड़ी हिट साबित हुई। आखिर में आपको बताते चले कि इन दिनों कैटरीना कैफ आनंद एल राय की फिल्म जीरो में बिजी हैं और इसमें उनके साथ शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा भी नजर आएंगे। तो चलिए हम सब मिलके इस ब्यूटीफुल एंड बोल्ड एक्ट्रेस को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे। और भी ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल utterpradesh.org।